हम सैटर्न राहु का डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि कुंडली में सैटर्न राहु का जो योग है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट योग है। और आज मैं फेसबुक पे भी देख रहा था कि फेसबुक पे भी किसी ने कोई पिशाच योग लिखा हुआ था, किसी ने सैटर्न राहु की वो बहुत डेंजरस योग लिखा हुआ था। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा ना हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है कि सैटर्न राहु का जो योग है वो बहुत खराब योग है। इस सैटर्न राहु को समझने के लिए आपको बहुत सारी और चीजों को भी समझना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के ठीक है, ये बात इस बात से बिल्कुल भी हम डिसएग्री नहीं कर सकते कि सैटर्न राहु योग जो है, ये जिस व्यक्ति की भी कुंडली में रहेगा, उस व्यक्ति के लाइफ में आप ईवल आई इंसिडेंट्स बहुत देखेंगे। ईवल आई इंसिडेंट्स का मतलब है कि उसको नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। और आप ये भी देखोगे कि ऐसे आदमी पर किया कराया जो है ना, वो बहुत जल्दी असर कर जाता है। आप लोग इसको ऑब्जर्व करिएगा, किसी भी कुंडली को उठाइएगा। जैसे कई लोग आपने देखा होगा ना, कई लोगों के आप घर में जाते हैं या किसी से पर्सनली बात करते हैं, तो आपको ये सुनने को मिलता है कि भाई फला फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, या किसी और आदमी ने मेरे ऊपर कुछ टोटका कर दिया है, तो आपको ये सुनने को मिलता है। तो ये एक्चुअली सैटर्न राहु के केस में आपको देखने को मिलेगा बहुत। और फिर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर इस बात को सुने तो जाहिर सी बात है अपने दिमाग में यही थॉट आएगा कि भाई बहुत खराब कॉम्बिनेशन है जो ऐसे व्यक्ति पर किए कराए का असर हो जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोच के देखें तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर किसी को करियर सक्सेस लेना है। इसलिए सैटर्न राहु वाला व्यक्ति जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाता है अगर वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ध्यान दे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सैटर्न राहु आपका कब खराब होगा, सबसे पहले ये जानिए कि सैटर्न राहु खराब कैसे होगा। क्योंकि एक बात मैं हमेशा बोलता आया हूं और हमेशा बोलता रहूंगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो आपके एक्शंस के द्वारा ही अच्छा होता है और आपके एक्शंस के द्वारा ही खराब होता है। ये सिर्फ आप एक थ्योरी जो है वो दे देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन को, कि भाई मैं तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि मेरी कुंडली में सैटर्न राहु का योग। हालांकि मैंने सैटर्न राहु के योग पर पूरी एक वीडियो भी बनाई है, उसमें रेमेडी भी बताई है कि क्या रेमेडी आपको करनी है। लेकिन राहु किस चीज का कारक है? राहु सीक्रेसी का कारक है। राहु वो प्लेनेट है जो चीजों को सीक्रेट रखना चाहता है। तो सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन की सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है? सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन की सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि आप अपने एक्शंस को, आप अपने प्लान्स को हमेशा सीक्रेट रखिए। अगर आपने सीक्रेट नहीं रखा तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन नेगेटिवली आपको अफेक्ट करना शुरू कर दे। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं अपने चार्ट में और उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया है अपने करियर, तो उनके राइज करने के पीछे एक ही रीजन है कि वो कभी भी ना, मतलब अपनी चीज को बहुत बखान नहीं करते हैं अपनी चीज, वो अपनी चीज के एक्सपेंशन में लगे रहते हैं। और जैसे ही एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है फिर उसको फुल फ्लेज तरीके से शोकेस कर देते हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, जो एक वर्ड हम यूज करते हैं, पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पूरे, मतलब क्या बोले उसको, पॉम्प एंड शो को, कि पूरे जिसे बोलेंगे जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार करना, तो पूरे जोर शोर से किसी चीज का प्रचार प्रसार करना, ये भी राहु का ही डोमेन है। लेकिन राहु क्या चाहता है कि आप पॉम्प एंड शो के साथ करिए चीज को, वो आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि ये करने से पहले आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखें। इसलिए क्या होता है कि जब भी आपका नेटल चार्ट में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो सबसे पहली कंडीशन यही बनती है कि आप जो है वो अपनी चीजों की सीक्रेसी मेंटेन रखें अपने वर्क प्लेस पर, अपने वर्क एरिया में। और ये सिर्फ तभी लागू नहीं है जब आपका सैटर्न और राहु एक साथ है, ये तब भी लागू है जब सैटर्न और राहु एक दूसरे के ट्राइन में है
और ये उस केस में भी लागू है जब सैटर्न से आपका राहु सेकंड हाउस में है, लेट से सैटर्न नाइन्थ हाउस में है, राहु टेंथ हाउस में है, तो राहु जो है वो सैटर्न से सेकंड हो गया, तो उस केस में भी यही कंडीशन एप्लीकेबल। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। दूसरा एक पॉइंट क्या होता है सैटर्न राहु का, आप ये देखेंगे कि सैटर्न राहु यदि आपकी कुंडली में नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एनएल संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो दे देता है। एनएल संबंधित प्रॉब्लम्स क्या, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन से जो है आपने देखा होगा बॉवल मूवमेंट्स जो है उसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम आने लगती है, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम जो है व्यक्ति को हो जाती है, तो सैटर्न राहु के केस में ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यदि कुंडली में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है और ऐसी कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को हो रही है तो इट मींस कि कहीं ना कहीं फिर दोबारा से सैटर्न राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आपको फिर दोबारा कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो चीजों को ठीक कर दे। अब सैटर्न क्या है, सैटर्न कर्म कारक है, राहु क्या है, राहु शैडो है, शैडो मतलब परछाई है। इसलिए क्या होता है कि जितने भी शैडो रिलेटेड फील्ड्स हैं, जितने भी शैडो रिलेटेड फील्ड्स हैं उसके अंदर सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति बहुत अच्छा जो है वो काम करेगा। इसलिए आप देखोगे कि बहुत से यूट्यूबर आपको आज की डेट में देखने को मिलेंगे जो अपने वीडियोस बनाते रहते हैं, जैसे वो बीबी के वाइंस हो गया लाइक, या कैरी मिनाटी हो गया, कोई भी किसी को भी ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए जो इस टाइम पर अच्छा एक यूट्यूबर है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो शैडो रिलेटेड फील्ड हो। तो यदि आपकी कुंडली में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपको डेफिनेटली यूट्यूब का असिस्टेंस ले लेना चाहिए अपने काम के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट मिले। ठीक है, दूसरा क्या है कि राहु क्या है, राहु फॉरेन कंट्री है, तो राहु फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन कंट्री के अंदर जब फॉरेन कंट्री का लिंकेज आपके कर्म कारक से बनता है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है वो फॉरेन लैंड्स के अंदर बहुत अच्छा करियर एस्टेब्लिश कर लेता है। तो मेरे पास एक कुंडली है जिसमें जुपिटर टेंथ हाउस में है, जुपिटर टेंथ हाउस में है, तो नॉर्मली किसी लग्न कुंडली को आप देखें और जुपिटर टेंथ हाउस में देखें तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति टीचर बनेगा, ये व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में जा सकता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जब उसकी कर्मा अलाइनमेंट की लिंकेजेस हम बनाते हैं, जब कर्मा अलाइनमेंट की लिंकेजेस हम करते हैं तो कर्मा अलाइनमेंट में जो लिंकेज निकल के आती है वो लिंकेज क्या निकल कर आती है, सैटर्न शनि बृहस्पति और राहु। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, सैटर्न क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, जुपिटर क्या हो गया, टीचिंग हो गया, राहु क्या हो गया, अनकन्वेंशनल चीजें हो गई और फॉरेन लैंड हो गई। तो मेरी प्रिडिक्शन अभी से इस चार्ट पर यह है कि ये व्यक्ति जो है ये टीचिंग करेगा और किसी अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट की टीचिंग करेगा, या हो सकता है ये फॉरेन लैंड के अंदर जाकर टीच करेगा। तो अब ये कर्म अलाइनमेंट जो है ना ये बड़ा इजी कर देता है लिंकेज इसको बनाकर, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके कारक तत्वों पर निर्भर करता है। और वहीं जब इस कुंडली के अंदर हम टेंथ लॉर्ड को देखते हैं, क्योंकि ये वर्गो लगन की कुंडली, तो वर्गो लगन की कुंडली में टेंथ लॉर्ड मरकरी है, लगन लॉर्ड मरकरी, तो जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूं उसमें मरकरी के साथ में सन का योग, तो लगन लॉर्ड 12th लॉर्ड के साथ कंबाइंड हो गया, 10th लॉर्ड 12th लॉर्ड के साथ में कंबाइंड हो गया। इसका अर्थ क्या है कि लगन को, लगन मतलब आप स्वयं हो गए, और 10th हाउस मतलब आपका कर्म हो गया, तो लगन का संबंध भी और 12th का भी संबंध जो है वो आपसे स्वयं से हो गया। तो स्वयं से संबंध होने का अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति को और इसके कर्म को जो है वो फॉरेन कनेक्शंस इसके साथ में हो सकते। अब ये इतनी सारी चीजें हमने स्टडी करी, फिर यही चीज अपनी दशांशा में भी रिपीट हो रही, लेकिन कर्मा अलाइनमेंट में जब हमने इसको जोड़ा
तो सिंपली जो एक लिंकेज निकल कर आई वो सैटर्न जुपिटर राहु के लिंकेज निकल कर आई। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न आपका कर्म है, राहु फॉरेन लैंड है, जुपिटर एजुकेशन। तो दिस कुड बी अ चार्ट ऑफ अ पर्सन हु कैन टीच इन फॉरेन लैंड, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर पढ़ा सकता है, शिक्षा दे सकता है। तो कर्म अलाइनमेंट टेक्निक में आप जब आगे काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम सैटर्न और राहु को लिंकेज तो दे देते हैं, कि हमने सैटर्न राहु को लिंक दे दिया कि सैटर्न कर्म कारक है, राहु शैडो से रिलेटेड है, राहु फॉरेन लैंड से रिलेटेड है। तो हमने आपको फॉरेन लैंड से जोड़ दिया, हमने आपको शैडो से जोड़ दिया। तो यहां तक तो आपने लिंकेज बहुत अच्छी बना ली, लेकिन अगर कोई और प्लेनेट साथ में जुड़ गया तो वो किस तरीके से काम करेगा? लाइक मून जुड़ गया तो सैटर्न मून राहु का कॉम्बिनेशन बन गया, सैटर्न के साथ में मार्स जुड़ गया तो सैटर्न मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बन गया, सैटर्न के साथ में मरकरी जुड़ गया तो ये सैटर्न मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये सब कुछ इस बात पर मैटर करता है कि आप किसके लिंकेज बना रहे हैं। बट क्योंकि आज हमारा, और देखिए कमाल की बात कि ये जो सैटर्न है ये जब ट्रांजिट में राहु को लिंक करता है, ये याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सैटर्न का लिंकेज जब नेटल राहु से बनता है, जैसे सपोज करिए आप में से किसी का नेटल राहु एक्वेरियस में और सैटर्न जाके उसके साथ में लिंक कर रहा है, तो 60-70% केसेस में आप बहुत बैड पीरियड देखोगे लोगों को। और उस बैड पीरियड का रीजन यही है कि राहु जिन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करने के लिए कह रहा है इस ट्रांजिट के दौरान, आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करो। और 10-20% लोग ऐसे भी होंगे जो इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस ले जाए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन लैंड में गए हैं, वो ऑलरेडी टीवी सिनेमा या शैडो रिलेटेड फील्ड के अंदर। तो ये कुछ एक फील्ड है जो मैंने आपको बताया, जैसे व्हील्स से जुड़ा हुआ फील्ड जो है, आपने देखा होगा जो व्हील्स, जो व्हीकल में जो व्हील्स लगते हैं जिनको आप नॉर्मली टायर बोलते हैं, वो भी राहु से लिंक बनाता है। कुछ ड्रग्स, ड्रग्स का रिलेशन राहु से, स्मगलिंग राहु से है, अनएथिकल एक्ट्स जो हैं वो राहु से है। जैसे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, मान लीजिए किसी की कुंडली में आपको सैटर्न मून राहु का कॉम्बिनेशन मिले, तो सैटर्न मून राहु के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति, बहुत कम ऐसे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें वो लीगली बहुत अच्छा धन कमा सकता है, लेकिन सैटर्न मून राहु के केस में अगर व्यक्ति बहुत धनी है तो 90% केसेस के अंदर उसने ये जो धन कमाया है इलीगल तरीके से कमाया है, चीटिंग से कमाया है या चीट करके कमाया है। अदरवाइज आप सैटर्न मून राहु वाले व्यक्ति को खुद चीट होते हुए देखोगे, वो खुद चीट होता रहेगा, और कब तक चीट होता रहेगा? जब तक वो खुद चीट करना ना शुरू करे। इसलिए बहुत रेयर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप सैटर्न मून राहु को यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लीगल तरीके से धन अर्जन करें। तो सैटर्न राहु की सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि आप इनसिक्योरिटी ना रखें, क्योंकि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रखता है काम के प्रति। व्यक्ति हमेशा डरता है कि मेरा काम बंद ना हो जाए, मेरी दुकान बंद ना हो जाए, मेरा धंधा बंद ना हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि मान लो वो कुछ एक्सपेंशन करने चलेगा, वो कुछ बढ़ावा करने चलेगा, तो किसी ना किसी को पकड़ के बता देगा, सुनो भाई मैं ये करने जा रहा हूं। और जहां उसने ये किया कि किसी को मतलब फेथ में लेकर बताया कि भाई ऐसा है, तो समझ लेना कि सामने से वो जो एनर्जी आएगी ना आपके पास, वो अपने आप में एक ईवल आई हो, और जैसी आप बताओगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ होगा, काम रुक जाएगा। और आप क्या कहोगे? आप सरल से शब्दों में ये कह दोगे, भाई मेरे को नजर लग गई, मेरे को टोक लग गई, या मेरे ऊपर किसी ने किया करा दिया, इस वजह से मेरा काम नहीं बनता। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करती हैं कि जब आप किसी कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं या उस कॉम्बिनेशन से काम लेते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन से काम आपको किस प्रकार लिया जाए। तो ये बड़ा जरूरी है। और जैसा मैंने बताया कि सैटर्न जो है
वो कर्म कारक है, और राहु क्या है, राहु ग्रैंडफादर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कई बार सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन जो है ये ग्रैंडफादर के बारे में भी बहुत सी चीजें रिवील करता है। लाइक ये बताता है कि ग्रैंडफादर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हैं, ग्रैंडफादर प्रोफेशनली बहुत अच्छा किए हैं, ग्रैंडफादर जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बहुत हार्डवर्किंग व्यक्ति रहे हैं, उन्हें काफी काफी चीजों का उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हैं बहुत सी चीजें सैटर्न राहु के केस। तो ये सब चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं किसी की भी कुंडली में लगाकर। अच्छा आप एक चीज और भी देखेंगे कि सैटर्न जो है कार्मिक साइकिल और राहु जो है ग्रैंडफादर, तो आपका कार्मिक साइकिल जो है ना वो अपने ग्रैंडफादर से कुछ मिलेगा या कुछ मेल खाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका मोडस ऑपरेंडी रहेगा, मोडस ऑपरेंडी का अर्थ होता है आपके काम करने का तरीका, आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं आप किस प्रकार काम कर रहे हैं, तो वो आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो क्योंकि राहु जो ग्रैंडफादर है, सैटर्न क्या है कर्म कारक, तो आपके काम करने का जो तरीका है, आपके एक्ट करने का तरीका, आप जब अपने काम पर होते हैं अपने वर्क प्लेस पर होते हैं तो आप किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप एक्ट करते हैं रिएक्ट करते हैं, आपका परसेप्शन कैसा है काम में चीजों के प्रति, तो ये बहुत हद तक मेल खाएगा किससे, आपके ग्रैंडफादर। तो इतनी चीजें जो है वो आप निकाल के ला सकते। तो ये सैटर्न राहु का जो कॉम्बिनेशन है इसको कभी भी स्टडी करते समय, चाहे अपने लिए स्टडी कर रहे हो चाहे किसी और के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप राहु के अधीन हो जाओ। और राहु के अधीन होने का मतलब नेगेटिव राहु के अधीन नहीं है कि आप कहने लगोगे ठीक है जी राहु तो ड्रग्स का कारक है तो हम ड्रग्स का सेवन शुरू कर देते हैं तो सैटर्न राहु जो है वो ठीक काम करेगा, ऐसा नहीं। आप राहु की एथिकल चीजों पर ध्यान दें, राहु की अनएथिकल चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान दें। और राहु की एथिकल चीजें क्या है, राहु का मतलब है एक्सपेंशन, अपनी चीजों की बढ़ोतरी के बारे में सोचें। राहु का अर्थ है ऑनलाइन एक्टिविटीज, राहु का अर्थ है ग्रैंडफादर, राहु का अर्थ है व्हील, राहु का अर्थ है फॉरेन लैंड्स, राहु का अर्थ है सीक्रेट एक्टिविटीज। अब सीक्रेट एक्टिविटीज का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीक्रेटली अनएथिकल हो जाओ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सैटर्न राहु के केस में, सैटर्न राहु के केस में कि कभी आपके सैटर्न राहु नेटल चार्ट में हो या फिर सैटर्न जो है वो राहु की तरफ जा रहा हो ट्रांजिट के अंदर, तो आदमी आमतौर पर अनएथिकल हो जाता है। तो आपको अनएथिकल नहीं होना है लेकिन आपको एक सीक्रेसी मेंटेन करना। और मैं फिर बता रहा हूं कि आप किसी भी बिजनेसमैन का, कितने सारे बिजनेसमैन का आप चार्ट उठाएंगे तो आपको वहां पर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको वहां सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा। देख आप कुंडली उठाइए, आप मुकेश अंबानी की कुंडली उठाइए, आप बिल गेट्स की कुंडली उठाइए, आप एलन मस्क की कुंडली उठाइए, वहां पर आपको सैटर्न राहु का रिलेशन मिलेगा। और सैटर्न राहु के रिलेशन आपको एक ही चीज के बारे में कहीं ना कहीं फोकस करेगा कि इन्होंने एक्सपेंशंस पर ध्यान दिया, ये चीजों को लेकर इनसिक्योर नहीं हुए, इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंड करना चाहा। और याद रखिएगा राहु आपके जिस भी कारक के साथ होता है उस कारक के जरिए आप चीजों को एक्सपेंड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका राहु जुपिटर के साथ, तो आपको यदि एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन आप अपनी नॉलेज के द्वारा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट के साथ में काम किया तो उस प्रोडक्ट के साथ में काम करके आपने एक नॉलेज जो है वो हासिल करी और उस नॉलेज के बेस पर आपने एक्सपेंशन कर। तो सैटर्न राहु एग्जैक्टली इस प्रकार काम करता है। तो बिल्कुल भी सैटर्न राहु से भयभीत नहीं होना है कि भाई सैटर्न राहु मेरी कुंडली में है तो ये मेरे को ये कर देगा वो कर देगा। इनफैक्ट आपने हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचना है और एक अमाउंट ऑफ सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करनी है। और आप लोगों ने देखा होगा हमने अभी अभी एक अपना वास्तु प्रोडक्ट जो है हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो जो हमारा वास्तु प्रोडक्ट है
वो सैटर्न राहु और सैटर्न मार्स की एक प्रकार की रेमिडी है। तो आप जहां कहीं भी अपने वर्क प्लेस पर रहेंगे तो सैटर्न राहु या सैटर्न मार्स की वो जो रेमिडी है आप उसको साथ में रख सकते हैं। और आप में से जितने भी लोग क्या बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट कोर्स में आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों को वो रेमिडी मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो वो रेमिडी आप सब लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ सैटर्न राहु की रेमिडी नहीं है, सैटर्न मार्स की रेमिडी नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए काम करेगी जिनका सैटर्न मार्स या सैटर्न राहु है, स्पेशली काम करेगी उन लोगों के लिए। बट अगर आपका सैटर्न किसी और प्लैनेट के साथ भी लिंक है तो भी ये रेमिडी काम करेगी। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर उसको रखना है जहां कहीं भी आप रहेंगे, और डायरेक्शन में आपको बता दूंगा कि कौन सी डायरेक्शन में आप उसको प्लेस करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सब लोगों को याद होगा कि सैटर्न केतु को एक्सप्लेन करते हुए हम सैटर्न केतु के बारे में भी बात करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो सैटर्न केतु के केस में आप लोगों को याद होगा मैंने वॉच की रेमेडी बताई थी आप लोगों को, कि यदि सैटर्न राहु आपका कॉम्बिनेशन है तो आप डिजिटल वॉच को यूज कीजिए, लाइक एप्पल वॉच है या कोई और डिजिटल वॉच, और यदि सैटर्न केतु आपका कॉम्बिनेशन है तो आप एनालॉग वॉच यूज कीजिए, सैटर्न मार्स केतु है तो आप मैकेनिकल वॉच यूज कीजिए, सैटर्न मून मार्स है तो आप जो राउंड डायल है वो यूज कीजिए। तो उस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम टेक्निकली इन कॉम्बिनेशंस को खपाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से खपेंगे। तो आगे हम सैटर्न राहु के लिंकेज जो है वो बाकी प्लैनेट्स के साथ कैसे लिंक होकर जाएगी, लाइक सैटर्न वीनस राहु में क्या होगा, सैटर्न मार्स राहु में क्या होगा, सैटर्न मरकरी राहु में क्या होगा, सैटर्न जुपिटर राहु में क्या होगा, सैटर्न मून राहु में क्या होगा, उन सब चीजों को हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। और ये ट्रांजिट जो है ये किस तरीके से शेप करता है आपकी चीजों को, उसके बारे में भी बात करें, ठीक है। तो आप ये सैटर्न राहु के जो पीरियड है इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा कुछ चार्ट्स पर, और देखिएगा कि जब ये पीरियड ऑपरेट किया किसी भी व्यक्ति के चार्ट में तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आई, किस तरीके की प्रॉब्लम, उसको फियर कॉम्प्लेक्सेस हो गए अपने काम को लेकर, ठीक है। अगर सैटर्न मार्स राहु है तो किसी झगड़े के कारण जो है, किसी कॉन्स्पिरेसी के कारण उनको जॉब भी छोड़ना पड़ सकता है। सैटर्न मून राहु है तो आपके ऊपर ब्लेम गेम्स लग सकते हैं, और उन ब्लेम्स के कारण जो आपके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो आपके ऊपर लगेंगे उनसे आपको गुजरना पड़ेगा, आपको ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। तो आप ह्यूमिलेट ना हो, आपके ऊपर ब्लेम्स ना लगे, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। और साथ में मैंने जैसा कहा कि आपको राहु की सिग्निफिकेशंस को ध्यान में रखना होगा, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मैं फिर कहता हूं कि कोई भी कॉम्बिनेशन को अच्छा या बुरा कहने से पहले आपको उस कॉम्बिनेशन की वास्तविकता को समझना होगा कि वो कॉम्बिनेशन चाह क्या रहा है। क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए नेगेटिवली तभी परफॉर्म करता है जब आप उस कॉम्बिनेशन की एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध जाकर काम करें। तो आप उस एक्सपेक्टेशंस के साथ में काम कीजिएगा। साथ में आप लोगों को जो बुक मिलेगी कर्मा अलाइनमेंट वाली जो बुक है, उस बुक के अंदर हर चीज जो है वो मेंशन है कि आप सैटर्न राहु को कैसे काम पे लगाओगे, उसकी इंडिकेशंस क्या है। तो मैंने इंडिकेशंस भी वहां पर मेंशन की है और रेमिडीज भी मेंशन की है कि इंडिकेशंस के साथ साथ कौन कौन सी रेमिडीज आपको करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों को ध्यान में आप रखिएगा, तो काफी कुछ आप लर्न करने वाले, काफी कुछ आप सीखने वाले। तो नेक्स्ट टाइम हम सैटर्न केतु को भी डिस्कस करेंगे, टिल देन आप इस पर काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि सैटर्न राहु को आप किस प्रकार समझ पाए।